माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है वेनसडे, अब अभी शाम का हो रहा है 4:30। मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं तो मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, और मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि सुबह सुबह जब नहाते हैं तो मन नहीं करता हेयर वॉश करने, क्योंकि ठंडी होती है ना इसीलिए। सो मैंने शाम को हेयर वॉश किया था, मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, थोड़े से धूप भी ले लेंगे और थोड़े से हेयर भी सूख जाएंगे, क्योंकि ना बच्चों को मैं पहली छत पे ले आई थी सो वो तो धूप लेके जा भी चुके हैं, सो भी चुके हैं, क्योंकि धूप लेना भी ज़रूरी होता है। सो मैंने कहा चलो आप लोग दोनों को सुला देती हूँ, फिर मैं छत पे थोड़े से बाल सुखा लूँगी अपने। सो अभी मैं आई हूँ दोनों को सुला के, मैंने कहा चलो कपड़े भी ले आते हैं, थोड़ी सी धूप, ज़्यादा धूप नहीं है अब, थोड़ी सी धूप है। सो बस धूप अच्छी निकली थी आज, बहुत अच्छी धूप निकली थी, कपड़े भी अच्छे खासे सूख गए क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप भी थी, सो ड्राई कपड़े सूख जाते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं ले लेती हूँ कपड़े। देखिए सारे कपड़े सूखे पड़े हैं मेरे, इधर ये दीवार पे भी हैं कपड़े, सॉक्स वगैरह, और वो सब सूख रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको कपड़े, वो सारे कपड़े सूख रहे हैं, उधर भी सूख रहे हैं, कुछ स्वेटर है इनका, मेरा टॉवल है जो सर मैंने बाल धोए थे सूख पहुँचे थे वो वाला टॉवल है मेरा। और फ्रेंड्स ब्लॉगिंग, क्या ब्लॉगिंग करने का मन करता नहीं है पता नहीं क्यों अब, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते तो ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। सो बस क्या करें, लेकिन कुछ मन भी कर जाता है। चलिए मैं अपने हेयर, मैं कर लेती हूँ अपने हेयर कॉम्ब, क्योंकि मेरे बाल ना सूख गए, तो सूखने की वजह से थोड़े से ज़्यादा सूख गए थे तो टूट रहे थे। सो मैंने कहा चलिए मैं अपने हेयर कर लेती हूँ कॉम्ब। कोई पीछे से आ रहा है इसलिए मैं पीछे देख रही थी, और देखिए बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी देखे होगा आपने, मैंने सारे कपड़ों में बाली बाल हो गए थे, फिर मैंने सारे साफ़ किए हैं,
मेरे बहुत बड़े बाल थे, सारे बाल मेरे पता है इतने बड़े थे, लेकिन अब सारे झड़ झड़ के इतने छोटे हो गए। तो प्लीज़ गाइस बताइएगा, कोई हेयर फॉल का कुछ बताइएगा मुझे, जिससे मेरा हेयर फॉल कम हो जाए। बंद तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। सो प्लीज़ बताइएगा गाइस, अपने अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ हेयर फॉल के लिए। देखिए मेरे सारी टी शर्ट पे पूरे बाली बाल हो गए हैं, और जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो प्लीज़ बताइएगा गाइस। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बाल काट लिए हैं अपने, कॉम कर लिया है, और ये मैंने क्लचर लगा लिया ऐसे करके, क्योंकि मैं अपने बाल वैसे भी इतना हेयर फॉल होता है, सो मैं अपने बाल खुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो भी बच्चों को चाहिए वो सारे झड़ जाएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा बाल अपने खुले नहीं करती, वैसे ऐसे क्लचर लगा लेती हूँ। और ऑयल लगाऊँ, ऑयल मैंने धोने से पहले लगा लिया था आज, सो आज ऑयल नहीं लगाऊंगी मैं कल ऑयल लगाऊंगी अपने बालों में। देखिए सफ़ेद भी हो रहे हैं बाल, लेकिन ठंड में ना कलर करने का मन नहीं करता, सो कलर नहीं किया है। थोड़ा सा सही ठीक ठीक सा मौसम होगा तब मैं कलर करूंगी अपने बालों पे। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने कपड़े लेके चलते हैं, और बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कब जग जाएंगे इसीलिए। और प्लीज़ आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए प्लीज़ यार फुल वॉच किया करो, अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।